पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के अवाम या सिलेक्टर्स, आप क्या कह रहे हैं उनको कि आपका सबसे बड़ा कामयाबी आपका फॉरेन पॉलिसी है? वो हुकूमत, वो वजीर आजम जो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर का सूरत हाल उनके नाक के नीचे जो हुआ है, आप कश्मीरियों से पूछे, मकबूजा कश्मीर के आवाम से पूछे कि क्या आपका फॉरेन पॉलिसी कामयाब रहा है, वो आपको जवाब देंगे। आपका फॉरेन पॉलिसी बुजदलाना रहा है, आपका फॉरेन पॉलिसी एक कठपुतली का फॉरेन पॉलिसी रहा है, आपका फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की तारीख का सबसे कमजोर फॉरेन पॉलिसी रहा है। आप पाकिस्तान की वाहिद वजीर आजम हो जिसने मोदी का कैंपेन चलाया है, जिसने पुलवामा का हमला के बाद कहा कि वजीर आजम मोदी बनेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। अगर आपका कैंपेन इंडिया के खिलाफ इतना कामयाब था, अगर आप इंडिया के खिलाफ लॉबिंग कर रहे थे, अगर आप इंडिया के खिलाफ हर फोरम पे उनके खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स में और पता नहीं कहां कहां सेनेटर लिंडसे ग्राहम को कह रहे थे कि इंडिया बुरा है, तो इस सवाल का जवाब दें कि यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन मेंबर वो कैसे मुंतखब हुए? उन्होंने 184 वोट्स लिए हैं और अब 192। ये है आपका कामयाबी कि भारत को 184 ममालिक उनको वोट देने को तैयार थे, इसको आप कामयाबी की तरह पेश करते हो। चाइना का जिक्र करते हैं, सीपैक के साथ जो इस हुकूमत ने किया, जिन इनके जो गैर जिम्मेदार वजीर है जिनके बयानात की वजह से चाइना ने भी एहतजाज किया। पाकिस्तान के चाइना के साथ तो रिलेशनशिप है, इसकी बुनियाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखा है। आप खुद चाहे वो आपको कहेंगे, और जितना नुकसान पाकिस्तान और चीन का रिलेशनशिप में, पाकिस्तान और चीन के जो स्ट्रेटेजिक एम्स है, खान साहब ने पहुंचाया है, किसी और वजीर आजम ने नहीं पहुंचाया है।